जय हिंद एवरीवन, आई विवेक पांडे, वेलकम बैक इन टारगेट डिफेंस फोर्सेस। फ्रेंड्स, आज से हम एक नई वीडियो सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिफेंस अपडेट्स। इस सीरीज़ में हम हर संडे को एक वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें 5 इंपॉर्टेंट एंड लेटेस्ट डिफेंस न्यूज़ कवर करेंगे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए बनती है क्योंकि आपकी आने वाली SSB में आपसे इंटरव्यूइंग ऑफिसर पूछ सकते हैं रिगार्डिंग डिफेंस अपडेट्स, उसमें आप कॉन्फिडेंटली आंसर कर सकते हैं। और इवन आप अगर डिफेंस एस्पायरेंट नहीं भी हैं तब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमारे डिफेंस सेक्टर में क्या चल रहा है। तो इस वीडियो के अंत तक ज़रूर देखें। बीच में मैंने कुछ क्वेश्चन भी पूछे हैं, उनको आंसर आप कमेंट सेक्शंस में कीजिएगा। अगर आप नए हैं चैनल में तो काइंडली चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए एंड डू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल नेवर मिस एनी अपडेट। हियर कम्स द वीडियो, मस्ट वॉच टिल द एंड, यू विल श्योरली गेट बेनिफिटेड। हमारी पहली न्यूज़ है आर्मी चॉपर क्रैश के बारे में। अभी हमने देखा कि 16 मार्च को अरुणाचल प्रदेश के हेलीकॉप्टर क्रैश में सेना के 2 जाबाज ऑफिसर पायलट शहीद हो गए। डिफेंस स्पोक्स पर्सन लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र रावत जी ने कहा कि हेलीकॉप्टर एक ऑपरेशनल सॉर्टी के लिए मिस्सामरी, जो कि आसाम से तवांग जो कि अरुणाचल में है, जा रहा था जब वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ। हेलीकॉप्टर का इनकंड्यूसिव वेदर से एनकाउंटर हुआ जब वो लौट रहा था मिस्सामरी से। हेलीकॉप्टर ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से सुबह 9 बजे के करीब संपर्क खो दिया था, जिसके बाद 5 सर्च पार्टीज आर्मी, SSB एंड ITBP की लॉन्च की गई सर्च अभियान में। शहीद पायलट्स की बॉडी को अरुणाचल से उनके घर की ओर ले जाया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल VVV रेड्डी के मॉर्टल रिमेन्स हैदराबाद भेजे गए और मेजर जयंत ए के मदुरई। ये काफ़ी दुखद समाचार है। हम इन जाबाज ऑफिसर्स की आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। और आपके लिए एक प्रश्न, इस हेलीकॉप्टर का नाम कमेंट में बताइए जो क्रैश हुआ, और साथ में जय हिंद भी लिखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ की ओर। सिप्री रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर है। भारत दुनिया का टॉप आर्म्स इंपोर्टर में है, लेकिन भारत की इंपोर्ट्स गति रिड्यूस हुई है 11% से 2013-17 एंड 2018-22 के दौरान। ये डिक्लाइन लिंक्ड है एक कॉम्प्लेक्स प्रोक्योरमेंट प्रोसेस से, जिससे भारतीय आर्म सप्लाई डाइवर्सिफाई हो पाए एंड लोकल डिजाइन से रिप्लेस हो पाए। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 5 लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर्स दुनिया के 2018-22 के पीरियड में इंडिया, सऊदी अरेबिया, कतर, ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना थे। और वहीं 5 लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर्स USA, रशिया, फ्रांस, चाइना एंड जर्मनी थे। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने फ्रांस का 30% एक्सपोर्ट रिसीव किया 2018-22 के पीरियड में, जिसकी वजह से फ्रांस USA को पीछे छोड़कर भारत का सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर बन गया रशिया के बाद। अब आपके लिए एक प्रश्न बनता है, प्लीज़ बताइए कमेंट्स में कि सिप्री का फुल फॉर्म क्या है। अगली न्यूज़ है इंडियन नेवी के बारे में। इंडियन नेवी को मेड इन इंडिया एंटी सबमरीन रॉकेट फ्यूज प्राप्त हुआ है। डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के लिए एक बड़ी जीत। इंडियन नेवी को एंटी सबमरीन अंडर वाटर वॉरफेयर रॉकेट के लिए फुल्ली इंडिजिनाइज फ्यूज मैन्युफैक्चर प्राप्त हुआ है भारतीय प्राइवेट कंपनी द्वारा। आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक मेजर बूस्ट दिलाते हुए इंडियन नेवी को इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड EEL नागपुर द्वारा फुल्ली इंडिजिनाइज फ्यूज YDB-60 फॉर अंडर वाटर एंटी सबमरीन वॉरफेयर रॉकेट RGB-60 प्राप्त हुआ। EEL नागपुर के CMD सत्यनारायण नुवाल ने फर्स्ट फ्यूज कंसाइनमेंट वाइस एडमिरल SN गोरमड़े, वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ को हैंड ओवर किया। चलिए जानते हैं फ्यूज़ क्या होता है। फ्यूज़ एक पार्ट है जो वेपन और एम्यूनिशन का फंक्शन इनिशिएट करता है। टॉर्पिडोज में उसका फंक्शन एक्सप्लोड करने का होता है। फ्यूज़ में या तो इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं। फ्यूज़ अलग अलग शेप और साइजेस का होता है, जैसे कि आर्टिलरी फ्यूज, हैंड ग्रेनेड फ्यूज, एरियल बॉम्ब फ्यूज, लैंडमाइन फ्यूज एट्सेट्रा। इसके अलावा टाइम फ्यूज, इंपैक्ट फ्यूज, प्रॉक्सिमिटी फ्यूज एक्सेट्रा भी होते हैं। तो ये वाकई एक बड़ी खबर है इंडियन नेवी के लिए। अब बढ़ते हैं चौथी इंपॉर्टेंट न्यूज़ की ओर। इंडियन नेवी, रॉयल सऊदी नेवी ने अल मोहद अल हिंदी 23 मिलिट्री एक्सरसाइजेस की फाइनल तैयारी की। इंडियन नेवी और रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेज ने मुंबई में फाइनल टचेस दिए इंडियन सऊदी अरेबिया नेवल एक्सरसाइजेस की प्रिपरेशन को।
इंडिया सऊदी अरेबिया नेवल एक्सरसाइज अल मोहेद अल हिंदी 23 मई 2023 में सऊदी अरेबिया के जुबैल में स्टार्ट होने का प्लान किया गया है। यह सऊदी अरेबिया और इंडिया की दूसरी ऐसी नेवल एक्सरसाइज होगी, पहले अगस्त 2021 में हुई थी। इस एक्सरसाइज में टैक्टिकल मनूवर्स, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ड्रिल कैरी आउट किए जाएंगे इंटर ऑपरेबिलिटी एनहेंस करने के लिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अब बढ़ते हैं लास्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की ओर, जो है राजनाथ सिंह जी द्वारा अध्यक्ष DAC ने डिफेंस के लिए ₹70,500 करोड़ के प्रपोजल्स को क्लियर किया। ध्यान से सुनिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने इंडियन आर्म फोर्सेस के इक्विपमेंट परचेज के प्रपोजल्स को, जो कि ₹70,500 करोड़ है, उनको क्लियर कर दिया। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल से लेकर आर्टिलरी गन्स, हेलीकॉप्टर्स एंड लंबी दूरी के स्टैंड ऑफ वेपन्स तक इस प्रपोजल्स में प्राप्त किए जाएंगे। ये सारे एक्विजिशंस भारतीय कंपनियों को दिए जाएंगे, मेजॉरिटी में पब्लिक सेक्टर कंपनीज को दिए जाएंगे। सारे प्रपोजल्स में से इंडियन नेवी के प्रपोजल्स को सबसे ज़्यादा ₹56,000 करोड़ दिए गए, जो कि इंडिजिनस ब्रह्मोस मिसाइल्स, शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स और यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स खरीदने में इस्तेमाल होंगे। DAC ने भारतीय वायुसेना से लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ वेपन्स के प्रपोजल्स को भी अप्रूव किया, जिससे इंडिजिनियसली डिज़ाइन, डेवलप और इंटीग्रेट किया जाएगा Su-30 MKI एयरक्राफ्ट्स पर। भारतीय सेना के लिए 155 mm 52 कैलिबर एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम्स के साथ हाई मोबिलिटी व्हीकल्स और गन टोइंग व्हीकल्स के प्रपोजल्स को भी अप्रूव किया गया। चलिए बताते हैं कुछ आपको DAC के बारे में। DAC, जिसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, डिफेंस मिनिस्ट्री की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जो कि देश के डिफेंस के लिए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड कोस्ट गार्ड की पॉलिसीज और कैपिटल एक्विजिशंस को डिसाइड करती है। DAC के अध्यक्ष रक्षा मंत्री होते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इट। आई विश यू एंजॉय द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज डू लाइक, कॉमेंट एंड शेयर इट विद ऑल योर ग्रुप मेंबर्स। See you soon in the next video. Till then, take care. Jai Hind, Jai Bharat.